हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, क्या इसका पैटर्न रहता है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। इस प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन की भी ने यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस जो होती है उसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है जो कि फर्स्ट स्टेप होता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनना क्या होता है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें एटीपी लगती है और यह किसके द्वारा कैटलाइज्ड होता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है इसके लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्सोकाइनेज। इसके लिए एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है हेक्सोकाइनेज। इसके साथ साथ इसमें जो आयन यूज होता है वो होता है मैग्नीशियम आयन। कौन सा आयन यूज होता है, मैग्नीशियम आयन। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू की भी नहीं यहाँ पर, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी प्लस इन सेलुलर रेस्पायरेशन। यहाँ पर पूछा है कि सेलुलर रेस्पायरेशन में एनएडी प्लस का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन वाहक की तरह कार्य करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके द्वारा रिमूव किया जाते हैं। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनएडी प्लस। ग्लाइकोलाइसिस में जो इलेक्ट्रॉन का रिमूव करते हैं तो वो किसके द्वारा होता है, एनएडी प्लस के द्वारा, क्योंकि एनएडी प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए यहाँ पर, एट दी एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 6-कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंज इनटू। यानी ग्लाइकोलाइसिस में जो 6-कार्बन कंपाउंड होता है वो लास्ट में जाके किस में चेंज हो जाता है। यानी 6-कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज की बात हो रही है यहाँ पर, ग्लूकोज जो होता है वो लास्ट में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइरूबिक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो 6-कार्बन कंपाउंड जो होता है वो लास्ट में जो है पाइरूबिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइरूबिक एसिड। पाइरूबिक एसिड क्या होता है, 3-कार्बन कंपाउंड यौगिक है। क्या है, 3-कार्बन कंपाउंड यौगिक है। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल इज। यानी कि एनिमल सेल में ग्लूकोज का जो फर्स्ट फेज जो होता है ब्रेकडाउन का वो किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा स्टार्ट होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होता है, पाइरूबिक एसिड बनता है, देन उसके बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल, उसके बाद ETS में ये पहुंच जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पाइरूबिक एसिड। क्या होता है, पाइरूबिक एसिड। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाइरूबिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज। निम्नलिखित में से किस प्रोसेस में CO2 को रिलीज नहीं होती, यानी CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर, एरोबिक रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। यानी जो प्लांट्स जो होता है उसमें जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है यानी कि वायवीय श्वसन होता है उसमें CO2 रिलीज होती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन बी है यहाँ पर, एरोबिक रेस्पायरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है उसमें भी CO2 रिलीज होती है। सी यहाँ पर है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी CO2 रिलीज होती है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, एल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन होता है। और डी जो है यहाँ पर, लैक्टेट फर्मेंटेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है लेकिन CO2 रिलीज नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, दी एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सब्सट्रेट इज ऑक्सीडाइज विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड। ऑप्शन है देखिए यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी यहाँ पर है फर्मेंटेशन, ऑप्शन सी यहाँ पर है एरोबिक रेस्पायरेशन एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है फोटो रेस्पायरेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्मेंटेशन। क्या होगा? बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पर है इन एल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ट्राइओज फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर। जो ट्राइओज फॉस्फेट होता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह कार्य करता है, जबकि एसिटाइल्डिहाइड जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर जो फर्मेंटेशन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? एसिटाइल्डिहाइड एंड CO2 का फॉर्मेशन होता है। सेकंड में क्या होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो ट्राइओज फॉस्फेट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जबकि एसिटाइल्डिहाइड जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दी एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर, यानी फर्मेंटेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? तो फर्मेंटेशन में होता क्या है, इसमें CO2 प्लस एल्कोहल का निर्माण होता है, CO2 प्लस एल्कोहल जो कि C2H5OH होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेंड बाई एनारोबिक रेस्पायरेशन फ्रॉम ईस्ट। निम्नलिखित में से एनारोबिक रेस्पायरेशन यानी कि AYB श्वसन के द्वारा, ईस्ट के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रोडक्ट को हम ऑब्टेंड यानी प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन है बियर एंड वाइन, ऑप्शन बी है यहाँ पर एल्कोहल्स, एंड ऑप्शन सी यहाँ पर है CO2, एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इससे हम एल्कोहल, CO2, बियर एंड वाइन सब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ईस्ट फर्मेंट्स ग्लूकोज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड आर, जब ईस्ट के द्वारा ग्लूकोज को फर्मेंट किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से प्रोडक्ट को हम ऑब्टेंड यानी प्राप्त कर सकते हैं? तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि एथेनॉल यानी कि एल्कोहल प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए एथेनॉल प्लस CO2 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में, एथेनॉल एंड CO2 क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर, द नंबर ऑफ सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड इज। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिट्रिक एसिड में सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जो है वो कितनी बार होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी यहाँ पर है 2, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर 3। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी राइट आंसर। जो सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जो होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, या उसको हम बोलते हैं TCA साइकिल, तो उसमें एक ही बार होता है। कब होता है? जब सक्सिनिल को एंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है तो वहाँ पर GTP का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को बोलते हैं हम सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही बार होता है सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। कब होता है? जब तब होता है जब सक्सिनिल को एंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है। तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है वेयर इज दी रेस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स, यानी जो ETS जो होता है प्लांट्स में कहाँ पर होता है? तो याद रखना जो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ऑप्शन ए देखिए, एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है। जो TCA साइकिल जो होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो साइकिल जो होता है, उसके जो एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी यहाँ पर दिया है ग्लाइकोलाइसिस ओकर्स इन साइटोसोल, ये भी बिल्कुल सही है। जो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोसोल में होता है, बिल्कुल सही है। सी यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज ए सप्लाइड विथ NAD डेट कैन पिकअप हाइड्रोजन एटम, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी यहाँ पर देखिए, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये जो होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये होता है
माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर दिया है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है यानी कि रॉन्ग है? ऑप्शन ए देखिए, देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर एफ ए डी प्लस इज रिड्यूस टू एफ ए डी एस टू। बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक पॉइंट आता है, एक प्रोसेस होती है जहाँ एफ ए डी प्लस से एफ ए डी एच टू बनता है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सेनिल को एंजाइम टू सक्सेनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ जी टी पी इज सिंथेसिस। बिल्कुल सही है, यहाँ पर सक्सेनिल को एंजाइम से जब सक्सेनिक एसिड बनता है तो वहाँ पर जी टी पी का फॉर्मेशन होता है और उसी स्टेप को हम बोलते हैं सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये भी बिल्कुल सही है। सी यहाँ पर है, दिस साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल को एंजाइम विद पाइरूविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो डी यहाँ पर है, देयर आर थ्री पॉइंट्स इन दिस साइकिल वेयर एन ए डी प्लस इज रिड्यूस टू एन ए डी एच प्लस एच प्लस। ये भी सही है यहाँ पर है। तो सी यहाँ पर रॉन्ग क्यों है कि जो एसिटाइल को एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर ऑक्सेलो एसिटिक एसिड से जुड़ता है जिससे सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या दिया है? पाइरूविक एसिड। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज, यानी कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है? तो ऑप्शन है देखिए, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ए सब्सट्रेट टू एडीपी। ऑप्शन बी यहाँ पर है, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी। ऑप्शन सी यहाँ पर है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी। एंड ऑप्शन डी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सब्सट्रेट ऑक्सीडेशन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो याद रखना, साइटोक्रोम जो प्रेजेंट होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी जो होती है वहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और याद रखना, जो साइटोक्रोम जो होते हैं वो आयरन कंटेनिंग पोर पायरिन पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? आयरन कंटेनिंग पोर पायरिन पिगमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेटेड इन दी माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटॉन जो इकट्ठे होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटॉन जो इकट्ठे होते हैं वो होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ पर? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऑल एंजाइम ऑफ टी सी ए साइकिल आर लोकेटेड इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन विच इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स इन यूकेरियोट्स एंड इन साइटोसोल इन प्रोकैरियोट्स। दिस एंजाइम इज, यानी कि जो टी सी ए साइकिल जो होते हैं उसके जितने भी एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक एंजाइम जो होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो एंजाइम जो होता है वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज़ दी राइट आंसर। ये थे 20 क्वेश्चंस जो कि रेस्पायरेशन इन प्लांट्स से पूछे गए हैं। इसके और जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।